ने सबसे प्राचीन संस्कृति कौन से देश की है? सबसे आज पूरे विश्व में ऋषि मुनि कहां हुए आज तक? वेद किस देश के पास है? ग्रंथ किस देश के पास है सबसे ज्यादा? चरक संहिता, आयुर्वेद किसका है? संस्कृति भारत की सबसे पुरानी, संस्कृति भारत पुराना, ऋषि मुनि आदि पुराने। अगर आप साइंटिस्ट की बात भी करोगे ना पूरे विश्व में, वो भी सबसे भारत में है आज भी। तो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति हमारी, ग्रंथ हमारे, आयुर्वेद हमारा, फिर भी भारत में इतनी इतनी बीमारियां क्यों, इतना भ्रष्टाचार क्यों, इतनी महंगाई क्यों, घरों में इतने कलेश क्यों? और भारत के लोग आज WHO की और भारत सरकार की माने तो 2013 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो एवरेज एज है वो 65 ईयर, यानी कि भारत के लोग 65 साल की उम्र जी रहे हैं। कोई 72 जी रहा है, कोई 55 भी जी रहा है। तो एवरेज अगर निकाली जाए तो 65 है इस तक भारत की। कि पूरे विश्व में सबसे लंबी उम्र के लोग कहां जी रहे हैं? जापान के। कितने साल? 84 साल। और चाइना के 79, अमेरिका के भी 72। तो भारत में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 70 सालों में भारत पीछे आ गया और वो आगे निकल गए? भारत ने क्या गलती करी कि भारत ने अपने ग्रंथों को, अपने वेदों को, अपनी गीता को, अपनी जो भी ग्रंथ है भारत के, उनको पढ़ा नहीं। उनको नमस्ते तो करते हैं हम सुबह सुबह सबको, हम अपने माँ बाप को मत्था भी टेकते हैं, लेकिन माँ बाप कहते क्या मानते नहीं है। हम अपने गुरुओं को, बुजुर्गों को, भगवान को सुबह सुबह मत्था टेकते हैं, घर से नमस्कार करके निकलते हैं, लेकिन वो कह क्या रहे हैं मानते नहीं। अब आप बताओ जापान में कौन सा धर्म चल रहा है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म के लोग भी वहां पे, और वहां पर एक ही भगवान है, वो सिर्फ सूर्य को मानते हैं। वो सूर्य जब उगता है, सूरज उगता है, उसको नमस्कार करते हैं, उसी की प्रार्थना करते हैं, और जब सूरज डूबता है तब उसकी आरती और प्रार्थना करते हैं। वो सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाते। और हमारे यहाँ पे क्या है, रात को 9 बजे भी शाही पनीर, मलाई कोफ्ते, कस्टर्ड, खीर, आने दो बस। तो ये फर्क है कि जापानियों ने क्या किया, अपनी संस्कृति पे आज भी कायम है, और हम लोगों ने क्या किया, अंग्रेज जो बीच में आए ना वो सारा आपका खेल बिगाड़ के चले गए। और आप अंग्रेजी बोलने वाले को थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हो, जो डॉक्टर इंग्लिश में बात करता है आपको लगता है बस यही डॉक्टर है, बाकी सब फर्जी है, ऐसा ही है ना? समझ तो आएगा नहीं, बस उसने बोल दिया इंग्लिश में। अभी मैं आपको आधा घंटा इंग्लिश में लेक्चर देता हूँ, आधा समझ आएगा, आधा समझ नहीं आएगा, बस ताली हो जाता ना बाद में, क्योंकि समझ तो आया नहीं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम अपनी संस्कृति, अपने विज्ञान, अपने ज्ञान को भूलकर उनके ज्ञान के पीछे लग गए, बस खा खा और खा रहे हैं। हजम हो रहा है, नहीं हो रहा, पता नहीं। एक दिन से गए कि नहीं गए, अगले दिन फिर चाहिए,